ये सूर्य उपासना, ये सूर्य योग नहीं है। उपासना का मतलब है सर, राघवेंद्र जी, अगर अगर योग के जरिए शरीर को फायदा मिलता है, अगर तंदुरुस्त रहता है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, तो क्या हम सिर्फ इसी तरह से इस चीज को देखकर नहीं ले सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते? एक तो क्या है, एक गलत संदेश जा रहा है। आप पता नहीं कि पैनल क्या समझ रहा है किस चीज को। हाँ। मंत्र पढ़ने से भी विरोध नहीं है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, अभी मैंने पढ़े, और भी पढ़े, तो विरोध और इसलिए मैं बता रहा हूँ, व्यायाम का भी विरोध नहीं है। व्यायाम भी आप कर सकते हैं और करते हैं, हम भी करते हैं, आप लोग सभी करते हैं। सूर्य तो पूरी करने दो, सुन लीजिए, बात पूरी करने दो जी, बताइए। सूर्य का हमारे बिलीफ से टकराता है कि सूर्य को एक बड़ा समाज देवता मानता है और उसकी उपासना करता है, उसको साधता है, उसकी तारीफ करता है। और देखिए एक बात होता है, इसलिए आप सूर्य का नाम नहीं लेंगे। हम नहीं लेंगे यार, तो ये आपकी गुरु जी, आप थोप नहीं सकते, आपके बिलीव मेरे पे, ये मुझे भारत का कानून, भारत का कानून और अनुच्छेद 14 हाँ। मुझे इसकी इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म पे अमल करूं और उसका प्रचार करूं। लेकिन आप किसी दूसरे धर्म को भी ठेस नहीं पहुंचा सकते भाई साहब। हम ठेस नहीं पहुंचा, ठेस नहीं पहुंचा सकते, पहुंच रहे ठेस, हमारा धर्म को भी ठेस नहीं पहुंचा सकते, पहुंच रहे ठेस। अब बात सुन लो, मैं बात पूरी कर दूं, ठीक है। भक्त हनुमान ने श्री राम जी से पूछा, मैं कुछ स्टेप करना चाहता हूं, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये आंध्रा के अंदर विजयवाड़ा में ये पुस्तक रखी हुई है और पूरे उससे बोल रहा हूँ। भक्त हनुमान ने श्री राम जी से पूछा कि मैं कुछ स्टेप करना चाहता हूँ, मुझे वो स्टेप बता दीजिए। और श्री राम जी कहते हैं, प्रथमम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधे खड़ा हो जाओ, द्वितीयम दंड मुच्यते, दूसरा दंड मुच्यते करो, अपना शरीर को और अपने मस्तिष्क को जमीन पर टेक दो, तृतीयम कुंडली कारकम, तृतीय पोजिशन तुम्हारी ये हो कि तुम कुंडली मार के बैठो, चतुर्थम अर्ध चंद्रकम, चौथी स्थिति तुम्हारी ऐसी हो कि तुम आधे चांद बन जाओ, पंचमम ज्योति संयुक्तम ओम ज्योति रूपम, यानी कि पांचवी स्थिति ऐसी हो कि तुम ध्यान में चले जाओ। अगर मैं कहूं कि ये नमाज की स्टेप है और ये सारे स्टेप नमाज में होते हैं और आप कर लीजिए, मैं यकीन से कहता हूं आप नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, जो श्री राम जी ने भक्त हनुमान को बताया वो तो आप कर लीजिए, कहीं मंत्र है? मैं तो कह रहा हूं, कहीं मंत्र है क्या? मंत्र है, आप ये बता दीजिए उसमें कहीं मंत्र है। आप योग टीचर हमारे पास में बैठे, बताइए आप कहीं मंत्र है क्या? 12 मंत्र है। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? देखिए मैं बताऊं, इंसान जब बड़ा होता है तो वो शुक्रिया अदा करना चाहता है। बच्चा बड़ा होता है अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करता है, फिर बड़ा होता है, फिर देखता है नहीं मेरा खानदान है, मेरा मुल्क है, और फिर वो ऊपर देखता है कि नहीं ये चांद है, नहीं ये सूरज है, ये सूरज है, इससे मुझे ऊर्जा मिलनी है, मेरी फसलें पक रही है और मुझे मेरे फल मिलने, तो यही सबसे बड़ा मेरा दाता है, मैं इसी के आगे झुक जाऊं। इससे आगे छलांग लगाने की जरूरत होती है कि ये चांद ये सूरज भी किसी ने बनाए, इसीलिए इनको घृण भी पड़ता है, ये देवता नहीं हो सकते। लेकिन हम आपके बिलीव का सत्कार करते हैं। अंधरात्मा परमशांति असंभूत ये उपस्थे, अंधकार में जा रहा वो व्यक्ति जो प्रकृति को पूज रहा है, ये वेद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है ना?